अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। आज हम कोकनी तरीके से खरे मसाले का कीमा बना रहे हैं। 1 किलो हमने कीमा लिए और इसको देखो छन्नी में हमने धो के छानने के रखे हैं। पूरा निचार के लेंगे पानी। 1/2 कप तेल लेंगे, 2 प्याज लेंगे, 2 प्याज चॉप करके लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक लेंगे, कोथमीर डालेंगे, ये गरम मसाला है, ये जावित्री है और ये देखो ये दालचीनी है, काली मिर्च है, इलायची, इलायची का मुंह तोड़ के लिए, ये पुदीना है और मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से लो, हमने बीच में से काट के लिए मिर्ची को, ये टमाटर है और ये बड़ी मिर्ची है और ये देखो ये मिर्ची होना इसमें जरूरी है। ये मिर्ची अच्छे से पकने के बाद इसको थोड़ा चम्मच से तोड़ के लेंगे। ये अदरक लहसुन है, इसको हमने चॉप करके लिए, इतना अदरक लिए है और 1.5 लहसुन लिए, इसको चॉप करके लिए, 1 टेबल स्पून जीरा लिए, 2 टेबल स्पून धनिया लिए, इसको भुनेंगे और हम अंदस्ते में कूट के लेंगे। और एक कोकनी चटनी है, इसमें है लहसुन है, नमक है और मिर्ची है, इसको हमने मिक्सर में पीस के लिए, इसको कोकनी चटनी बोलते हैं। मैंने कोकनी चटनी डाली हूँ, वैसा देखो वैसी बनाओ, एकदम टेस्टी बनता है कीमा। अभी बनाने का तरीका बता रहे। धनिया और जीरा को भून के लेंगे, भून के उसको हम अंदस्ते में कूट डालेंगे, धरबरा धरबरा, बारीक नहीं। ये देखो भून के हो गया, अभी इसको निकाल के हम अंदस्ते में कूटेंगे। हमने ये देखो दिखा रहे, देखे अभी हमने हम से में कूट डाले, ऐसा दरदरा होना चाहिए। अभी हम बनाने का बता रहे, हो गया। अब ये गरम मसाला डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे और प्याज के साथ नमक डालेंगे। प्याज का कलर बदली करके लेंगे, ज्यादा बदली नहीं करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए, बहुत टेस्टी लगता है ये, इसको पाव के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ खाते हो गया। अभी कीमा डाल के इसके अंदर अच्छे से भूनेंगे इसको, कीमे को अदरक लहसुन हमने चॉप करके लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट में डालें, हमने भुने, अभी अदरक लहसुन डालेंगे, अदरक लहसुन को अच्छे से भुनेंगे उसके अंदर, कीमे के अंदर। सब खड़े मसाले डाल रहे हैं, पहले को ये मिर्ची डाल दी, ये मिर्ची को अच्छा पकने के बाद थोड़ा थोड़ा फोड़ेंगे। अभी ये कोकनी चटनी डाल दी, कोकनी चटनी से एकदम टेस्टी बन जाता है इसमें, कुछ नहीं खाली लहसुन है, मिर्ची है उसमें और नमक है, इसको पीसे, इडली नहीं ली है इसके अंदर। कोथमीर डालेंगे, पुदीना डालेंगे, मिक्स करेंगे और स्लो गैस पे रखेंगे, 5 मिनट पकाएंगे, फिर टमाटर डालेंगे। देखो अभी ये जीरा और ये कूटे ना धनिया, उसको डालेंगे,
कि खड़े मसाले का स्वाद ही कुछ अलग है, एकदम टेस्टी। देखो बारीक गैस पे हमने 10 मिनट पकाया इसको। अभी टमाटर डालेंगे, टमाटर को गलाएंगे नहीं, टमाटर गलेगा तो खीमा मीठा बन जाता है, इसलिए खीमे में टमाटर एक तो डालो मत, हमने डाल दिए अच्छा लगने के लिए, टेस्टी लगने के लिए, लेकिन इसको गलाएंगे नहीं, गलने से मीठा हो जाएगा खीमा। अभी 5 मिनट ढक्कन रख के पकाएंगे बारीक गैस पे, फिर आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए 5 मिनट अभी हो चुके हैं, कीमा भी अच्छे से कुक हो चुका है, तो अभी इसको हम लोग सॉफ्ट करके आपको दिखाएंगे। ने कोकनी कीमा खरे मसाले का बनाए, एकदम टेस्टी फर्स्ट क्लास बनाए, ऐसा बनाओ। मेक किचन को आगे बढ़ाओ, मेक किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, मेरी रोज की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज अल्लाह हाफिज।